नमस्ते। सर्वप्रथम सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज मैं श्रीमती पूर्णा शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ सामुदायिक विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कोकराझार, असम कृषि विश्वविद्यालय असम के सभी कर्मकर्ताओं की तरफ से एक छोटी सी प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह प्रस्तुति हर एक व्यक्ति के लिए है जो आज विटामिन की कमी से होने वाले लक्षण और बीमारियों से जाने अनजाने जूझ रहा है। इस प्रस्तुति का मूल उद्देश्य विटामिन से होने वाले दुष्परिणामों और उसका निवारण घर और आस पड़ोस में उपलब्ध खाद्य पदार्थों द्वारा कैसे किया जा सकता है, वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दिखाने और हमारे समाज को सजग करने की एक छोटी सी चेष्टा है, ताकि हमारे समाज का हर एक व्यक्ति स्वस्थ शरीर का अधिकारी बने और स्वस्थ भारत की संरचना में अपना पूर्ण योगदान दे। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है, जहां दो जुड़वा बहनें रहती थी। एक का नाम था मिली और छोटी का नाम था जुली। दोनों बहनें हमेशा मिलजुल कर रहती, दोनों हमेशा एक साथ खेलती, एक साथ स्कूल जाती और एक साथ ही खाना खाती। मिली को हमेशा सब्जी, ताजे फल, अनाज, दाल, चावल यानी पोषण युक्त आहार खाना बेहद पसंद था। और दूसरी तरफ जूली को तेल में तला भुना चिप्स, चना भुजिया यानी फास्ट फूड खाना पसंद था। उसकी माँ हमेशा दोनों को एक सा खाना देती, पर जूली हमेशा फास्ट फूड खाकर अपना पेट पहले ही भर लेती और पोषण युक्त आहार खाने से वंचित रह जाती, और इसीलिए जूली हमेशा बीमार रहने लगी। जूली की इस अवस्था के कारण मिली बिल्कुल अकेली पड़ गई और जूली की चिंता उसे सताने लगी। मिली ने तय किया कि जूली को एक अच्छे चिकित्सक से इलाज कराएगी और अगले ही दिन जूली को पास वाले चिकित्सालय में वो ले गई। वहाँ डॉक्टरों ने जूली की ठीक से जाँच पड़ताल की, उसके दिनचर्या के खाद्य तालिका के बारे में पूछा और कुछ ही देर बाद डॉक्टरों को ये समझने में देर नहीं लगी कि जूली विटामिन की कमियों से ग्रसित है। इसलिए डॉक्टरों ने दोनों बहनों को बुलाया और विस्तार पूर्वक विटामिन की कमियों के बारे में समझाया और साथ ही यह आश्वासन दिया कि पोषण युक्त आहार हमारे दिनचर्या के खाद्य तालिका में ग्रहण करने से जूली बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएगी। डॉक्टरों ने दोनों बहनों को क्या समझाया, क्या आप जानने के लिए इच्छुक हैं? तो आइए हम भी सुने। डॉक्टरों ने कहा कि विटामिन मूलतः 6 तरह की होती है, विटामिन डी, ई, के, ए, असमिया में देका उपाधि याद रहेगा ना, जो वसा में घुलनशील है यानी फैट सोल्युबल विटामिन कहलाती है, और विटामिन बी और सी वाटर सोल्युबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील या पानी में मिल जाने की क्षमता। सर्वप्रथम हम विटामिन ए की कमियों के द्वारा होने वाले लक्षण एवं बीमारियों के बारे में जानेंगे तथा घर में ही उपलब्ध खाद्य पदार्थों द्वारा इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, आइए जानें। विटामिन ए मूलतः हमारे आँखों के लिए उपकारी है और इसकी कमी आँखों को तकलीफ देती है। यह आँखों के सफेद भाग, जिसे हम अंग्रेजी में कंजंक्टिवा कहते हैं, उस पर त्रिभुज या अंडाकार आकार में पानी या सफेद मवाद की तरह दिखाई देता है, जिसे हम अंग्रेजी में बिटॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। दूसरी तस्वीर नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी से हम सभी प्राय वाकिफ हैं। हर व्यक्ति जो निशांगता या रतौंधी से ग्रसित है, उसे अंधेरा होने पर भय लगता है, क्योंकि वह अंधेरे में देखने में असमर्थ है। समय रहते अगर नाइट ब्लाइंडनेस का सही उपचार नहीं किया गया तो संभव है कि वो हमेशा के लिए अंधा होने पर मजबूर हो जाए, इसलिए सावधानी अनिवार्य है। सेरेब्रोथेलमिया और केराटोमिलेशिया भी दो ऐसी बीमारियां हैं जो विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में होती है। सेरेब्रोथेलमिया होने पर व्यक्ति की आंखों की पुतलियां सूख जाती है और आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाता है। इसके और भी अनेकों कारण हो सकते हैं, पर विटामिन ए की कमी भी इस बीमारी के मूल कारणों में से एक है। विटामिन ए की कमियों के और कई अन्य लक्षण भी हैं, जैसे नाखूनों पर सफेद दाग होना,
होठों के किनारे फटना और उससे खून निकलना, नाखूनों की ऊपरी सतह ऊबड़ खाबड़ दिखना, त्वचा में कुछ इस तरह से छोटे छोटे दाने दिखना और चेहरे की त्वचा कुछ इस प्रकार से दिखाई देना विटामिन ए की कमी को दर्शाता है। विटामिन ए से होने वाले इन समस्याओं से हम तभी निजात पा सकते हैं जब हम अपने दिनचर्या में खाने वाले खाद्य पदार्थों में पीली, नारंगी, लाल एवं हरी सब्जियों तथा फलमूलों का नियमित रूप से सेवन करेंगे एवं इन्हें अपने दैनिक खाद्य तालिका में सम्मिलित करेंगे। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी के अभाव से ग्रसित व्यक्ति ज्यादातर सिरदर्द, सर चकराना, हाथ और पैरों में जलन या शून्य पर जाना, बहुत देर तक खड़े अथवा बैठे रहने पर पैरों का फूलना, हृदय की गति का अचानक तेज होना, सांस लेने में तकलीफ होना, शरीर में दर्द, थकान और कमजोरी महसूस करना इत्यादि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो विटामिन बी की कमी को दर्शाते हैं। यह लक्षण आमतौर पर ज्यादा जटिल तो नहीं कहे जा सकते, परंतु दैनिक दिनचर्या में अशांति के कारक हैं। समय रहते अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो वक्रीय रूप धारण कर हमारे शरीर को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति इनमें से कुछ या अधिकतर लक्षणों से ग्रसित है तो उसे अंग्रेजी में हम बेरी बेरी नामक रोग से ग्रसित होने का संदेह कर सकते हैं और तुरंत ही चिकित्सक से सलाह और इलाज करने का परामर्श दे सकते हैं। विटामिन बी मूलतः अनपॉलिश्ड सीरियल्स एंड ग्रेन्स यानी कम चमकीली अनाज जैसे विभिन्न प्रकार के चावल, दाल, चना इत्यादि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, दूध या दूध से बनी वस्तुएं जैसे चीज, फल, साग सब्जी, बड़ी मछली, मांस आदि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तीसरी विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके लक्षणों से हम सभी प्राय वाकिफ हैं। विटामिन सी की कमी दांतों से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करती है। दांतों के मसूड़ों का फूलना, मवाद जमा होना, खून निकलना, दर्द होना और असमान दांत विटामिन सी की कमी की ओर इशारा करते हैं। अंग्रेजी में इन लक्षणों को स्कर्वी नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। समय रहते इस बीमारी का सही इलाज अगर तुरंत ही नहीं कराया गया तो संभव है कि सारे दांत निकल कर गिर जाएं और दांतों के मसूड़ों से उत्पन्न भयंकर दर्द को झेलना पड़े। इसके अलावा मुख के जीभा, खास तौर पर बच्चों के जीभ पर कुछ इस प्रकार के दीप जैसे दिखाई पड़ते हैं जिसे हम भौगोलिक जीभ के नाम से संबोधित करते हैं। अंग्रेजी में हम इसे ज्योग्राफिकल टंग या बेनिंग माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण जीभा का यह रूप विशेषकर बच्चों के लिए तकलीफदेह इसलिए है क्योंकि जीभा में जलन की वजह से वो बहुत से खाद्य पदार्थों को खाने में असमर्थ बन जाता है और खाने के इच्छुक होने के बावजूद भी नहीं खा पाता और प्रायः रोता, बिलखता और चिड़चिड़ा बन जाता है। दांतों के मसूड़ों से खून निकलने के अलावा हमारे हाथों और पैरों के उंगलियों के बीच तेज खुजली होने के साथ साथ घाव में पस, मवाद या घाव से पानी आने की शिकायत हम आम तौर पर सुनते हैं। इन सभी उलझनों, समस्याओं और शिकायतों से हम तभी निजात पा सकेंगे जब हम विटामिन सी युक्त फलों जैसे खरबूजा, नींबू, आंवला, नारंगी, संतरा, अंगूर, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अनारस, अमरूद, आम, बेर, जैतून या ओलिव, पपीता, तरबूज इत्यादि का सेवन नियमित रूप से करेंगे। खट्टे तथा ताजे फलों के अलावा भी सब्जियों जैसे सरसों का साग, पालक, ब्रोकोली, पत्तेदार गोभी, फूल गोभी, हरी और ताजे मटर, टमाटर, मिर्च इत्यादि में भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हम सभी इस सच्चाई से अवगत हैं कि विटामिन सी पानी में घुलनशील है और हमारा शरीर अतिरिक्त विटामिन सी को जमा
या स्टोर नहीं कर पाता है और हम उसे पेशाब के रास्ते निकाल देते हैं। और इसीलिए विटामिन सी का सेवन नियमित और प्रत्येक दिन हमारे खाद्य तालिका में शामिल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य और जरूरी है। विटामिन सी में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर में रोग प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी आयरन को हमारे शरीर में समावेश या एब्जॉर्ब करने में सहायक है। यानी अगर हम आयरन युक्त आहार खाते हैं और साथ ही विटामिन युक्त आहार एक साथ सेवन करते हैं तो हमारा शरीर आयरन को पूरी तौर से हजम करने और समावेश करने में सहायता करता है, जो हमें खून की कमी से होने वाली बीमारी, जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, उससे दूर रखता है। इसके अलावा विटामिन सी युक्त आहार उच्च रक्तचाप, जिसे हम अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे नियंत्रण और नियमित रखने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। 4 नंबर पर विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। जब हमारा शरीर धूप के संपर्क में आता है तो शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की संरचना करना शुरू कर देता है। दिन में मात्र 30 से 40 मिनट तक धूप के संपर्क में रहने से ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर की आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने में सक्षम है। किंतु आजकल की आधुनिक जीवन शैली, घर बैठे काम करने और खेलने की प्रवृत्ति, सनस्क्रीन का प्रयोग और सन टैन के डर से पूरे शरीर को कपड़ों से ढकने का अभ्यास हमें सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने से वंचित करती है और जाने अनजाने हमें विटामिन डी डेफिशिएंट यानी कमी का आभास कराती है। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह हमारे शरीर में काम करता है और हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। विटामिन डी की आपूर्ति केवल सूर्य की रोशनी से कर पाना मुश्किल है और इसीलिए सूरज की तेज धूप के साथ साथ विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक भोजन तालिका में शामिल करना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण विकास में सूरज की रोशनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अधिकतर गर्भवती महिला गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी की कमी से पीड़ित होती है और उनके बच्चे जन्मजात और वयस्क होने पर मोटापा बढ़ने की संभावना उनमें अधिक रहती है। इसके अलावा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनमें सभी तरह के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। अगर उनके शरीर में कोई भी पोषक तत्व कम हो जाए तो उनके स्वास्थ्य और विकास में नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनमें से विटामिन डी की कमी भी शामिल है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर को खाद्य पदार्थों से मिलने वाले कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों का निर्माण और मजबूत करने के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य, संक्रमण से लड़ने और चोट या सर्जरी के बाद हड्डियों को ठीक करने हेतु अहम भूमिका निभाता है। वृद्ध और वयस्क महिलाओं और पुरुषों के लिए विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में चाहे सूर्य की रोशनी के द्वारा और खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और छोटी सी चोट लगने पर ही हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों में हड्डियों का नाजुक और झुका हुआ होना, जिसे हम रिकेट नामक बीमारी से जानते हैं, एक विटामिन डी के अभाव से होने वाली बीमारी बच्चों में देखी जाती है। इसके अलावा कलाई में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, शरीर का सही तरह से विकास न होना, जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन, दौरे पड़ना, निचले अंग और पीठ में दर्द होना, पेट निकलना और बार बार निमोनिया होना विटामिन डी के अभाव के कारण बच्चों में पाए जाने वाले कुछ लक्षण समूह हैं, जो पर्याप्त विटामिन डी के सेवन और डॉक्टर की सलाह और चिकित्सा से पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं।
बड़ों में यह लक्षण ऑस्ट्रोमलेशिया के नाम से प्रचलित है। बढ़ती उम्र के दौरान वयस्क आदमी या औरत पहले की तुलना से कुछ बौना सा दिखता है। विटामिन डी की कमी रीढ़ की हड्डी पर असर डालता है और हड्डी के घनत्व को कम करता है और संपूर्ण शरीर को धोने में असमर्थ बन आगे की तरफ कुछ इस तरह से झुक जाता है। इसी कारण रीढ़ की हड्डी बढ़ती उम्र के दौरान टेढ़ी होती चली जाती है। अतः सूर्य की रोशनी का हमारे शरीर को कम से कम 30 से 40 मिनट तक स्पर्श करने के अलावा विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, टोफू, अंडा, मशरूम, दलिया, तेल या मछली, सैल्मन, संतरे का रस, पनीर, चीज, सोयाबीन, पालक इत्यादि में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है और बढ़ती उम्र में इन सबको खाना जरूरी है। 5 नंबर विटामिन है विटामिन ई। हमारे मुखमंडल या चेहरे की त्वचा कुछ खिंची खिंची, रूखी सूखी और फटी सी दिखने लगे या महसूस होने लगे या धीरे धीरे चेहरे और शरीर की त्वचा के अन्य हिस्सों में झुर्रियां दिखने लगे, जिसे हम अंग्रेजी में रिंकल्स कहते हैं, तो यह विटामिन ए की कमी की तरफ इशारा करती है। विटामिन ए की कमी हमारे पैरों के रक्त वाहिनियों पर भी असर डालती है। इस तस्वीर पर आप इन रक्त वाहिनियों की दुरावस्था को देख सकते हैं। अंग्रेजी में हम इसे वेरिकोस वेन नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। यह रक्त वाहिनी एक ही जगह कुछ इस तरह से जमा हो जाती है और पैरों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने में असमर्थ हो जाती है और इसी कारण यह रक्त वाहिनियां फूल जाती हैं। यह वेरिकोस वेन मुख्यतः उन लोगों में पाया जाता है जो अधिकतर समय खड़े होकर या बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। इसके अलावा बार बार गर्भ धारण करने वाली महिलाओं में भी वेरिकोस वेन की शिकायत आम तौर पर सुनने को मिलती है। विटामिन ई की कमी वेरिकोस वेन होने के मुख्य कारणों में से एक है। हालांकि अन्य और कई कारण इस समस्या से जुड़े हैं और इसीलिए समय रहते जल्द ही चिकित्सक द्वारा अपने शरीर की पूरी तरह से जांच पड़ताल करना और उपचार करना बेहद ही जरूरी है। विटामिन ई की कमी हमारे शरीर की त्वचा पर और क्या असर छोड़ती है, क्या आप जानना चाहेंगे? हमारे हाथों और पैरों पर कुछ इस तरह से दाग धब्बे और त्वचा बहुत सूखी सी हो जाती है और समय रहते अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो यह शरीर के संपूर्ण हिस्सों में फैल जाने में तनिक भी देरी नहीं लगाती है। इसीलिए तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे तेलीय मछली, जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, ब्रोकोली, मूंगफली, ऑलिव ऑयल, मकई, अंडा आदि में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन हमारे शरीर की त्वचा और नसों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। छठे और अंतिम विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 हमें हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलती है जो खून के थक्के बनाने यानी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है और इसकी कमी खून को पतला करती है। और दूसरे विटामिन K2 जो हमारे शरीर के आंतों, जठरांत या गट्स बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। विटामिन K2 हमें किण्वित भोजन यानी फर्मेंटेड फूड जो खमीकरण की प्रक्रिया से तैयार होता है, जैसे कि ब्रेड, इडली, डोसा, ढोकला, जलेबी, दही इत्यादि में प्रचुर मात्रा में विटामिन K2 पाया जाता है जो हृदय तथा हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन के कैल्शियम को रक्त से हटाकर हड्डियों में जमा करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है और हार्ट अटैक होने से बचाता है। विटामिन के का अभाव हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट की स्थिति उत्पन्न कर देती है और खून को एक ही जगह कुछ इस तरह से जमा कर देती है और हम यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद अनजाने में हमें चोट लग गई होगी, पर
या विटामिन के की कमी हो सकती है, इसलिए सावधान। विटामिन के हमारे शरीर में दो तरह से उपयोगी है। एक, वो हमारे शरीर के अंदर खून को एक जगह पर जमने नहीं देता, और दूसरी ओर बाहरी चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर उसे वैध की बहने नहीं देता। नाक या दांतों से खून निकलना विटामिन के की कमी के अन्य लक्षणों में से एक है। इसके अलावा नवजात शिशुओं में विटामिन के की कमी पाई जाती है, और इसीलिए कई अस्पतालों में विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उससे विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियों से न जूझना पड़े। गर्भवती महिलाओं की तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में विटामिन के युक्त खाद्य पदार्थ लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रसव या डिलीवरी के दौरान और उसके बाद भी विटामिन के की शरीर में मौजूदगी शरीर को पुनः स्वस्थ या रिकवर करने में मदद करती है। गर्भवती महिलाओं के शरीर के वजन के अनुपात से विटामिन के की मात्रा तय की जाती है, यानी प्रति किलो के हिसाब से 1 माइक्रोग्राम विटामिन के रोज लेना अनिवार्य है। विटामिन के पाचन क्रिया में भी सुधार लाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध है। विटामिन के की कमी हमें आमतौर पर कम देखने को मिलती है, किंतु अगर हम किसी भी अन्य बीमारी में एंटीबायोटिक औषधि का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो सकती है। विटामिन के हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केल, धनिया, अन्य सब्जी जैसे चुकंदर, खीरा, फूलगोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, हरे और ताजे मटर, फर्मेंटेड फूड जैसे दही, चीज और मांसाहारी भोजन जैसे कि मीट, मछली और अंडों में काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, कनोला तेल, रैपसीड ऑयल, सोयाबीन के तेल में भी उच्च मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के की कमी से निजात पाने का एक सरल और आसान तरीका है कि हम हर भोजन को अलग अलग तेल में पकाएं और उसका प्रतिदिन सेवन करें। अतः अंत में आइए हम सभी मिलजुल कर विटामिन से होने वाली कमियों और उससे जुड़ी बीमारियों को दूर करने में अपना पूरा पूरा सहयोग दें। समाज के हर एक व्यक्ति को सजग कर स्वस्थ और पोषण युक्त आहार लेने का अनुरोध करें और स्वस्थ भारत की संरचना हेतु अपना पूरा पूरा योगदान दें, ताकि हमारा भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसी आशा और हर एक व्यक्ति के स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हुए आज मैं श्रीमती पूर्णा शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ सामुदायिक विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कोकराझार, असम कृषि विश्वविद्यालय असम के अंतर्गत, आज आप लोगों से यही आज्ञा लेकर इस वीडियो का यही समापन करती हूँ। पुनः आप लोगों से मिलने की आशा लिए हुए धन्यवाद।